पिछोर के बिरौली पंचायत में लभाक्षरी स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा पुराण का हुआ आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी द्वारा भक्तों को सुनाई जा रही श्रीमद् भागवत कथा बिरौली द्वारिका पंचायत के सभी ग्रामीणों द्वारा 108 कुंडीय महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जन कल्याण के लिए कराया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी के मुखारविंद से कथा कही जा रही है। कथा सुनने के लिए दूर दराज से भक्त लभाक्षरी स्थान पर पहुँच रहे हैं। पिछोर विधायक पूर्व मंत्री केपी सिंह कग्गाजू प्रतिदिन कथा सुनने पहुंच रहे हैं। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी द्वारा पिछोर विधायक केपी सिंह जी की तारीफ करते हुए कहा कि जो व्यक्ति जनता की सेवा करता है वह सच्चा सनातनी होता है। वह किसी भी पार्टी का हो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और सनातन धर्म का जो पालन करता है। विधायक जी जनता की सेवा करते हैं इसलिए वह 30 सालों से अपना झंडा क्षेत्र में गाड़े हुए हैं। ऐसे विधायक साधु के समान है। संवाददाता सचिन राजभट्ट की रिपोर्ट। से नहीं कह रहे हम, प्रधान जी से कह रहे हैं। आपने तो कोई अच्छे काम किए होंगे, समाज की सेवा की होगी, जो 30 साल से झंडा गाड़ के बैठे हो यहां। इसका मतलब है जनता की खूब चकाचक सेवा करी है आपने। जनता बड़ी चालाक है, सेवा नहीं करते हटा देती तुरंत। तो एक बार तो हमारे विधायक जी का सम्मान बनता है, ताली बजा कर जरा जोर से। हमें बाद में पता चले कांग्रेस के विधायक है, लेकिन हमने उसी दिन पहले दिन ये कहा था विधायक चाहे जिस पार्टी के हो पर विधायक कम साधु ज्यादा है। अच्छा आप अभी इन्होंने कोई दक्षिणा वक्षिणा का प्रलोभन भी नहीं दिया हमको, तो हम ऐसी पढ़ाई नहीं कर रहे। मुझे लगता है जो मेरे सनातन का आदर करे, जो सनातन पर समर्पित हो, वो व्यक्ति चाहे जिस पार्टी में हो लेकिन मेरी नजर में वो सनातनी है, साधु है।